नमस्कार दोस्त बीएसआर एस अड्डा में आपका स्वागत है चलिए पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे कि कैसे हम लोगों को आगे चलना है आज हम लोग जो टू द पॉइंट की दुनिया में आएंगे ज्यादातर और देखते हैं सर कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर और बेस्ड ऑन अल्फाबेट में कल आ, हम लोग पिछले क्लास में जस्ट सिलेबस की चर्चा किए थे जिसमें से बे, आ, बेस्ट ऑन अल्फाबेट पर बेस्ड ऑन अल्फाबेट बेस्ड ऑन अल्फाबेट ऑन अल्फाबेट पर हम लोग जो सेवन चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जरा ध्यान से एक बार आ, कम से कम जो पढ़ने वाले हैं उसको जरा ध्यान में रखा जाए और हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और नए टेक्निक के साथ हम लोग सीखने वाले हैं बेस्ट ऑन अल्फाबेट को तो जरा देखिए ध्यान से बेस्ट ऑन अल्फाबेट में जो पहला टॉपिक आज हम लोगों का स्टार्ट होगा जिसका नाम है सर अल्फाबेट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर अल्फाबेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है सर कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज लेटर सीरीज के बाद सर हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी डिक्शनरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर पेयर फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर वो जम्बलिंग पढ़ेंगे इस तरह से हम लोग जो बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पर है सात चैप्टर के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे आज जो हम लोगों का स्टार्ट होगा सर बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट का पूरी तरह से बेसिक का स्टार्ट होगा और जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर आज शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फाबेट तो सबसे पहले अल्फाबेट पढ़ने के पहले हमें कैसे पढ़ना चाहिए सारी बातों को हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग टाइप बाई टाइप और नेचर बाई नेचर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट सर अल्फाबेट के बारे में हम लोगों को पता है कि अल्फाबेट और ए से लेकर के जेड तक होते हैं तो ए से जेड तक सारे बच्चे को कम से कम उसके प्लेस वैल्यू तो पूरी तरह से याद रहना चाहिए अल्फाबेट का सर प्लेस वैल्यू तो पूरी तरह से याद रहना चाहिए और वह प्लेस वैल्यू दोनों ओर से सर दोनों ओर से याद रहना चाहिए प्लेस वैल्यू का मतलब होता है सर प्लेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू का मतलब होता है सर आपको फॉरवर्ड रैंक ये फॉरवर्ड रैंक और रिवर्स रैंक फॉरवर्ड रैंक रिवर्स रैंक उसके बाद सर ये अपोजिट रैंक ये तीनों रैंक हम लोगों को पता रहना चाहिए फॉरवर्ड रैंक रिवर्स रैंक और अपोजिट रैंक यदि हमारे पास ये तीनों रैंक पूरी तरह से अच्छा से यदि क्लियर है तो हम लोग आसानी से अल्फाबेटों के सवाल को बना सकते हैं आइए आप लोग को सामने हम पहले फॉरवर्ड रैंक को याद कराने की कोशिश कराते हैं तो देखिए सर ये फॉरवर्ड रैंक को कैसे हम लोग याद करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर ए से लेकर के जेड तक हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे जेट तक की यदि चर्चा किया जाए सर ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम उसके बाद सर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ही डब्ल्यू एक्स वाई और अब बात बताइए सर कि देखिए ये बात यहाँ पे क्या होता है अल्फाबेट तो हम लोगों को सबको याद है सर कि अल्फाबेट का एक नंबर पर आता है बी दो नंबर पर आता है सी तीन नंबर पर आता है डी चार नंबर पर आता है पांच नंबर पे आता है छह नंबर पर सात नंबर पर आठ नौ ये दस हो गया ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस सबसे पहले हम लोग को जानना है सर कि इसमें जो वन टू थ्री से लेकर के ट्वेंटी सिक्स तक जो लेटर है उसके प्लेस वैल्यू एकदम पूरी तरह से हमारे दिल और दिमाग दोनों में एकदम स्थित रहना चाहिए तो एक बात सर ये प्लेस वैल्यू को याद करने के पहले हम लोगों को एक बात ये याद करना बहुत जरूरी है आप बताइए सर कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या है सर राइट हैंड है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा इस लेटर का लेफ्ट हैंड ही होगा और जो मेरा राइट हैंड है इस लेटर का भी राइट हैंड होगा तो बताइए सर मेरा लेफ्ट हैंड ये है इसलिए यहां भी लेफ्ट हैंड ये है बाया यही होगा और इसका राइट हैंड ये है सर तो ये इसका दाया है तो यह भी दाया यही होगा अब लेटर हमें हाँ इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लेटर अभी पहले हम लोग सर फॉरवर्ड रैंक जो अभी रैंक की बात हम लोग किए थे जो रैंक की बात हम लोग किए थे उसमें सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक का मतलब होता है सर बाएं से दाएं फॉरवर्ड रैंक का मतलब होता है सर बाएं से फॉरवर्ड रैंक का मतलब होता है सर बाएं से दाएं और बाएं से दाएं का मतलब होता है सर ए से जेड रिवर्स रैंक का मतलब होता है सर रिवर्स रैंक रिवर्स रैंक और रिवर्स रैंक का मतलब होता है सर दाएं से बाएं दाएं से बाएं और दाएं से बाएं का मतलब होता है सर जेड से दाएं से बाएं का मतलब होता है जेड से उसके बाद से अभी चर्चा जस्ट किए थे सर तीसरा चर्चा जो है अपोजिट रैंक और अपोजिट रैंक का मतलब होता है सर अपोजिट रैंक का मतलब होता है जैसे ए पहला स्थान पर है और जेड किस स्थान पर है सर लास्ट स्थान पर है तो जिस प्रकार से फर्स्ट का उल्टा लास्ट होता है उसी प्रकार सर ए का उल्टा क्या होगा जेड होगा तो ये सर अपोजिट रैंक हो गया जैसे ए का उल्टा जेड है बी का उल्टा वाई है ये तीनों रैंक हमारे माइंड में बिल्कुल सेटअप होना चाहिए तभी हम अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को बहुत तेजी और आसानी तरीकों से बना सकते हैं तो आइए सबसे पहले हम फॉरवर्ड रैंक की चर्चा करते हैं और फॉरवर्ड रैंक जैसे ही याद होता है हम लोग चलते हैं रिवर्स रैंक के पास तो सर ये फॉरवर्ड रैंक को हम लोग कैसे याद रखेंगे तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखा जाए पूरी तरह से यहाँ पे यदि आपका निगाहें रही तो पूरी तरह से यहीं पे सारे बच्चे को याद हो जाएगा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे जरा इस तरह से कैसे हम लोग याद करते हैं तो यहाँ पे सर यू इक्काईस है और भी बाईस है और W तेईस पर है कैसे याद करेंगे सर देखिए सारे बच्चे जानते हैं सर ए मने क्या होता है जैसे हम लोग जानते हैं डी सी जे ए पल, ये सब होता है सर तो सब बच्चे को याद है सर ए मने क्या होता है एक होता है ए मने क्या होता है एक होता है और हम लोग साइंस वगैरह इस में पढ़ते हैं सर बी से बनता है बाई अब बाई मैंने क्या होता है सर दो बी से बनता है बाई और बाई मैंने क्या होता है सर दो होता है उसके बाद सर अगर ये तीनों को फिलहाल सर सर अभी छोड़ दिया जाए इसके बाद हम चलते हैं सर, आपके पास एफ एफ को कैसे याद रखेंगे सर एफ को तो एफ को याद करने का टेक्निक है सर फिक्स और फिक्स से क्या बनता है सर सिक्स फिक्स से क्या बनता है सर फिक्स से सिक्स बनता है तो इस प्रकार से सर हम लोग प्लेस वैल्यू को याद रखेंगे कि एफ किस स्थान पर है तो एफ सिक्स स्थान पर है यानी फिक्स से बनता है क्या सर सिक्स बनता है उसके बाद सर जी का यदि पोजीशन याद किया जाए सर जी तो देखिए सर जी में क्या लगा हुआ है सर जी में सेवन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है तो जी का स्थान कौन सा हो गया सर जी से हो गया और एच का यदि स्थान देखा जाए सर एकदम बिल्कुल पूरी तरह से आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए सर एच देखिए है बगल में एट है और आंसर से भेट है सर देखिए एच में क्या लगा हुआ है एट लगा हुआ है तो एच किस स्थान पर हो गया सर एट स्थान पर हो गया और आई देखिए सर आई नाइन के जैसा लिखाता है कि नहीं लिखाता है तो आई नाइन पर हो गया आई किस स्थान पर हो गया सर नाइन पर हो गया जे को सर कैसे याद रखेंगे जे को कैसे याद रखेंगे तो जे का मतलब है जियो सर जियो जियो और जियो देखिए सर जे में दस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है तो जे से हम याद रख करेंगे सर जियो इसके बाद सर आगे देखा जाए के को कैसे याद रखेंगे सर के को के को के को याद करने के लिए हम लोग याद करते हैं सर किंग को याद करने का टेक्निक है सर किंग इलेवन पंजाब तो के ग्यारवा स्थान पर आ गया सर एल को कैसे याद रखेंगे सर एल को किस प्रकार याद रखेंगे तो लंच कितना बजे होता है सर लंच कितना बजे होता है लंच बारह बजे होता है लंच कितना बजे होता है सर लंच बारह बजे होता है इसलिए एल कितने स्थान पर आ गया बारहवा स्थान पर आ गया उसके बाद यदि बात किया जाए सर एम 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 एन 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 को कैसे हम याद रखेंगे सर एम एन को याद करने का सर टेक्निक आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं सर एम एन से मेरा नाम तेरह चौदह मेरा नाम तेरह चौदह एम एन हो गया सर मेरा नाम तेरह चौदह ओ को फिलहाल हम छोड़ेंगे सर के लिए अलग टेक्निक बनाएंगे सर लेकिन पी के लिए हम याद करेंगे सर पूजा कैसे करती, करती है सर पूजा कितना सोमारी करती है सोलह सुमारी पूजा कितना सोमारी करती है सर पूजा से पी से पूजा पूजा कितना सोमारी करती है सोलह सुमारी कर... किसी प्रकार सर अल्फाबेट किसी प्रकार अपने मन से ही आप करके याद कर सकते हैं और क्यू को कैसे याद करेंगे सर क्यू को क्यू को क्यू को याद करने का टेक्निक है सर क्यू से क्या बनता है सर क्वीन देखिए डिजाइन सर और क्वीन मन होता है रानी और रानी क्या होती है सर रानी खतरा और खतरा से क्या बनता है सर सत्रह बनता है इसलिए बताइए सर क्यू का क्यू का पोजीशन कितना हो गया सर सत्रह अब बताइए सर रानी बन गई सत्रह में और रूस जाती है कै में सर अठारह में और रूस जाती है कितना में सर अठारह में रानी बनती है खतरा सत्रह में बनती है रूस जाती है सर अठारह में इसलिए उसका शादी हो जाता है सर उन्नीस साल में शादी कितना हो जाता है सर उन्नीस साल में हो जाता है उसके बाद हम लोग सर पढ़ते हैं अगर शादी हो गया तो चली जाती है मैच देखने सर टी ट्वेंटी चली जाती है मैच देखने कौन सा सर टी ट्वेंटी इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे सर इसको कैसे याद रखेंगे तो युवा इक्कीस साल में होता है सर युवा कितने साल में होता है इक्कीस साल में होता और यदि युवा इक्कीस साल में होता है सर युवा इक्कीस साल में अगर होता है तो वोट देगा सर वोट 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 भी से याद रखो सर वोट वोट देगा कितना में सर 22 में वोट कितना में देगा सर 22 साल में वोट कोई भी आ, याद करेंगे सर हम लोग टेक्निक में कि युवा इक्कीस साल में होता है भोट देता है बाईस साल में ओमेन बनेगी तेईस साल में सर ओमेन बनेगी डब्ल्यू से याद कर लेंगे सर ओमेन और उमेन कितना साल में बनती है सर उमेन बनेगी तेईस साल में ओमेन बनेगी तेईस साल में एक्स को कैसे याद करेंगे सर तो एक्सरे की लंबाई चौबीस सेंटीमीटर याद करेंगे सर एक्सरे की लंबाई कितना सेंटीमीटर चौबीस सेंटीमीटर होता है उसके बाद सर वाई के लिए अलग टेक्निक बनाएंगे सर जेड को हम लोग याद कर लेंगे उन्नीस से सर जेड का पोजिशन याद है हम लोगों का जेड कौन सा स्थान पर है सर छब्बीस स्थान पर है तो मेरे प्यारे बच्चे अब हमें विश्वास है कि ये अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद हो जाने चाहिए अब एक बार पुनः इसको रिवाइज करवाते हैं ताकि माइंड में पुनः सेटअप हो जाए तो चलिए सर बताइए ए मैने क्या हुआ सर ए मैने एक होता है बी से क्या होता है सर बाई बाई मैंने दो होता है एफ से सर होता है फिक्स फिक्स से क्या बनता है सर बनता है होता सर जी सेवन लगा हुआ है सर लगा हुआ है जी में क्या लगा हुआ है सेवन exactly. लगा, लगा हुआ है एच में सर क्या लगा हुआ है देखिए सर एच में एट लगा हुआ है सब सेठ है इसी में सर आंसर से भेंट है बताइए आई मैंने क्या हो गया सर नाइन आई मैंने क्या हो गया Nine हो गया जे से क्या होता है सर जे से जे से जियो और जियो का सिम कितना में सर दस में अब के से सारे बच्चे बताएंगे सर के से किंग्स इलेवन पंजाब के से किंग्स इलेवन पंजाब होता है एल फोर सर क्या होता है लंच बारह फोर क्या होता है सर लंच बारह बजे होता है एम एन एम सर एमिन एमिन से क्या होता है सर एम एन से होता है मेरा नाम तेरह चौदह एम एन से क्या होता है सर मेरा नाम तेरह चौदह होता है वो के लिए अभी फिलहाल सर छोड़ दीजिए ओके फिलहाल अभी छोड़ दीजिए हम नए टेक्निक की दुनिया में आएंगे सर पी से कैसे याद करेंगे पी से सर पूजा पूजा कितने करती है सर पी से करती है पूजा सोलह शुमारी आपको पता है सर क्यू होता है सब बच्चे इसके चक्कर में पड़े हैं सर क्यू आज के बाद जान लो सर क्यू रानी और रानी होती है क्या सर खतरा इसलिए अवेलेबल है सर सत्रह पर इसलिए कितना पर अवेलेबल है सर सत्रह पर अवेलेबल है आर से जानेंगे सर रानी बनी सत्रह में रूस जाती है अठारह में रूस जाती है अठारह में इसलिए उसका शादी हो जाता है सर उन्नीस साल में शादी कितना साल में हो जाता है सर उन्नीस साल में हो जाता है और टी से हम लोग याद करेंगे सर टी फोर, टी टी फोर सर टी यू से किस प्रकार याद रखेंगे सर यू फोर युवा इक्कीस साल में युवा कितने साल में होता है सर इक्कीस साल में होता है और भी फोर सर क्या होता है वोट देगा बाईस में वोट देगा बाईस में डब्ल्यू से सर याद रखेंगे ओमेन औमेन बनेगी तेईस साल में और एक्स सर एक्स के लिए एक्सरे की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है सर चौबीस सेंटीमीटर होता है और जेड कितना पर है सर जेड छब्बीस पर होता है तो सर क्या फॉरवर्ड रैंक सबको याद हो गया होगा हमारे समझ से और यदि जो कुछ लेटर बच गए जो भी कुछ लेटर बच गए हैं उस लेटर को सर हम किस प्रकार याद रखेंगे तो हम लोग एक नए टेक्निक की मदद से सर ई ज्योति ज्योति की मदद से याद रखेंगे सर और ई ज्योति का मतलब सर पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस डिजाइन सर पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस जिसमें से सर आपको याद है पूरी तरह से याद है सर जियो का सिम दस रुपया में होता है और टी फोर सर क्या होता है टी ट्वेंटी होता है बाकी सारे बच्चे ये वाई पच्चीस पर होता है ई पांच पर होता है कुछ जो लेटर बच जाते हैं इसके अलावा भी इसके अलावे भी कुछ लेटर जो बच जाते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये बात याद रखते हैं तो भी सही है नहीं भी याद रखते हैं सर तो भी सही है सर, सर। जिसमें से आपको तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्काईस और चौबीस जिसमें से आपको याद है सर एक्सरे की लंबाई चौबीस सेंटीमीटर युवा इक्कीस साल में रूस जाती है सर अठारह में रूस जाती है अठारह में लंच बारह बजे होता है आई से नाइन एम से सिक्स हो गया सी से थ्री हो गया लेकिन बाकी जो बच गया सर उसके लिए हम लोग इसकी मदद से भी याद कर सकते हैं हालांकि ज्यादा नेसेसरी नहीं है आप दो लेटर की मदद से सिर्फ इजोत याद रखें और सारे का प्लेस वैल्यू जहां से टेक्निक बताए हैं इस प्रकार से यदि आप याद करते हैं तो बेस्ट ऑन अल्फाबेट का सात चैप्टर आप आसानी से समझ पाइएगा अब देखिए सर ये प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो गया और प्लेस वैल्यू याद होने से आपको फायदा क्या होने वाला है सर तो सबसे पहले तो हम बेसिक कैसे सही करवाने वाले हैं तो यदि हम बेसिक चलें सर यदि हम बेसिक चलें तो हमें बेसिक कैसे चलना है और आगे कैसे चलना है तो देखिए सर टाइप वन की यदि बात बोला जाए तो आपसे टाइप वन में क्या पूछा जाएगा जरा ध्यान से देखिए तो टाइप वन स्टार्ट करने के पहले बेसिक जैसे अगर आपको फॉरवर्ड रैंक पता हो गया सर यदि आपको फॉरवर्ड रैंक पता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं जैसे सर यदि फॉरवर्ड रैंक पता है अगर आपसे पूछा जाए बाएं से बारहमा कौन सा होगा दूसरा सर बाएं से सोलह क्या होगा बाएं से बीसवा क्या होगा बाएं से छठा क्या होगा बाएं से दस क्या? तो इस तरह से पूछा जाएगा सर बाएं से बारहमा क्या होगा अभी तो फिलहाल सर बेस तैयार कीजिए बेस के बाद जो टाइप वन स्टार्ट होगा फिलहाल अगर किसी भी एग्जाम को देखा जाए सर तो बेस से सवाल तो बड़ा कम पूछे जाते हैं लेकिन बेस से ही टाइप का निर्माण होता है तो क्या हम सबसे पहले बेस की ओर चलेंगे Earth... तो सर यदि पूछा जाए बाएं से ब्राहमा कौन होगा बाएं से सोलाहमा कौन होगा तो लेटर हमें सर बाएं से तो ही याद करवाए अभी सर फॉरवर्ड रैंक का मतलब होता है सर बाएं से दाएं और रिवर्स रैंक का मतलब होता है सर दाएं से बाएं और अपोजिट रैंक का मतलब होता है उल्टा तो सबसे पहले सर हम लोग बाएं से दाएं यदि लेटर बाएं से यदि हम याद किए हैं तो बताइए सर बाएं से बरहमा पूछा जाए तो बताइए क्या बताइएगा सर कि लंच कितना बजे होता है सर बारह बजे लंच कितना बजे होता है सर बारह बजे होता है तो लंच फॉर एल हुआ आगे बताइएगा सर बाएं से यदि सोलहवा लेटर पूछा जाए तो पूजा कै सुमारी करती है सर सोलह सुमारी पूजा कितने सुमारी सोलह सुमारी तो पी से हो गया सर पी पर पी से पूजा पूजा से कितना हो गया सर सोलह और बाएं से बीसवा की बात बोला जाए सर तो क्या आया टी ट्वेंटी बाएं से बीसवा बोला जाए तो क्या आया सर टी इसी प्रकार सर बाएं से यदि छठा बोला जाए तो क्या होने वाला है सर फिक्स और फिक्स से क्या बनेगा सर सिक्स बनेगा फिक्स से क्या बनेगा सर सिक्स बनेगा और यदि बाएं से दसवा पूछा जाए सर तो जियो का सिम कितना रुपया में मिलता है सर दस रुपया में या जियो के बगल में सर दस है इसलिए दस तो आपको यदि इस तरह के लेटर यदि याद रहते हैं यदि आपको फॉरवर्ड रैंक याद है तो आसानी से बड़े बड़े सवाल को सेकेंडो में बना सकते हैं तो हम लोग सब सबसे पहले फॉरवर्ड रैंक पढ़ ली इसके बाद सर ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाएं से एग्जाम में पूछा जाए आपको दाएं से भी पूछ सकता है सर दाएं से भी आपको लेटर पूछ सकता है तो बताइए सर यदि हमको अगर फिलहाल यदि हम बाएं से तो सीख गए सर यदि हम दाएं से चर्चा करें एबीसीडी को कि दाएं से हम लोग कैसे याद करें तो देखिएगा सर ध्यान से A, सर, अगर देखा जाए तो यह तो बाया था सर और यह था दाया तो फिलहाल यदि हम आ, से यदि आ, लेटर पूछा जाए यदि तुरंत पूछा जाता है सर बाएं से दसवां तो जियो का सोलह तो पूजा सोलह सोमारी बाएं से इक्कीसवा तो युवा इक्कीस साल में लेकिन सर यह जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाएं से ही पूछा जाए आपको सर दाएं से भी पूछा जा सकता तो सारे बच्चे एक बार मुझे बताएंगे सर अभी जो जो पढ़े हैं हम लोग सर बाएं से पहला लेटर एक है दूसरा दो है तीसरा सी जो है तीसरा पर है इस प्रकार सर चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीसौ छब्बीस ये लेटर हम लोग जो लिखे हैं सर कहां से लिखे हैं बाएं से दाएं और यदि बाएं से दाएं की बात किया जाए सर तो बाएं से तेरह लेटर फोर, जीओ आ गया सर बाएं से लेटर मेरा नाम तेरह चौदह आ गया सर बाएं से सोलहवां लेटर पूजा सोलह सोमारी तो हम लोगों का सर बाएं से दाएं आ गया लेकिन सर हम लोग दाएं से बाएं कैसे याद रखेंगे सर तो फिलहाल आप देखकर बता सकते हैं सर दाए से पहला लेटर कौन है जेड है दूसरा लेटर कौन है वाई है तीसरा लेटर एक्स है चौथा लेटर डब्ल्यू है पांचवा लेटर B है छठा लेटर यू है सातवाइन लेटर टी लेटर, लेटर, दस लीटर लेटर कौन है सर जेड है लेकिन बाएं से पहला लेटर कौन है सर ए है यदि दाएं से पूछा जाए सर दाएं से दूसरा लेटर कौन है वाई है दाएं से तीसरा लेटर कौन है सर एक्स है दाएं से चौथा लेटर कौन है सर डब्ल्यू है दाएं से पांचवा लेटर कौन है सर भी है लेकिन आप बताइए सर कि यदि हम ऐसे काम करेंगे तो क्या हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं क्योंकि सर अभी कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करना पड़ता और इसके लिए हमें चाहिए अप्रोच सर अप्रोच तारीखा चाहिए हमें तारीखा सिर्फ तारीखा चाहिए सर कि जल्दी से सवालों को कैसे हल किया जाए हर बच्चे जानते हैं सर दाएं से गिन सकते हैं रीजनिंग के हर सवाल को हर बच्चा घर बैठे बना सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रोच पकड़ने की कोशिश कीजिए सर जल्दी से कैसे सवालों को हल करना है बस हमें यह सीखना है सर तो सर ये बात यदि ध्यान से देखा जाए दाएं से पहला लेटर जेड है दाएं से दूसरा लेटर वाई है लेकिन सर याद कैसे करेंगे तो हम बार बार टेक्निक का सहारा नहीं लेंगे सर हम इसी में देखते हैं सर कि कोई भी लेटर यदि दाएं और बाएं जैसे जेड को देखा जाए सर जेड बाएं से कैमा है सर जेड बाएं से कैमा है लेकिन जेड दाएं से कैमा है सर पहला और यदि जरा ध्यान से देखा जाए सर तो दोनों लेटर एक ही लेटर के बाएं और दाएं का सम कितना होता है सर 27 होता एक ही लेटर के बाएं और दाएं का सम कितना होता है सर 27 होता है होता है कि नहीं सर तो यदि एक ही लेटर के बाएं और दाएं का सम यदि सत्ताईस होता है तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए सर दाएं से पहला लेटर कौन होगा तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि सर दाएं से मुझे लेटर पता नहीं है सर बोलिएगा दाएं से मुझे लेटर पता नहीं है क्यों सर हमें तो लेटर यहां से पता है बाएं से पता है तो सर तुरंत बदल लो इसको सर तुरंत बदल लो बाया में इसको बाएं में बदल लो सर कैसे बदलेंगे क्योंकि मुझे पता है सर दाएं और बाएं का सम कितना होता है सर सत्ताइस होता है तो बताइए सर एक यहाँ है इसमें कितना घट रहा है छब्बीस और एक सत्ताईस हो जाएगा तो आप ऐसा काम क्यों नहीं कीजिए सर सत्ताईस में से एक घटा दीजिए 27 में से एक गया तो कितना बचा सर छब्बीस और आप बताइए सर बाएं से छब्बीसवां लेटर क्या जेड नहीं है सर क्या जेड नहीं है बाएं से छब्बीसवां लेटर और यदि सर बाएं से छब्बीसवां लेटर जेड है तो दाएं से पहला लेटर भी जेड होगा आप देखिए सर इसी प्रकार के सवाल को आप बना सकते हैं आप चुटकी में सवाल को बना सकते हैं सर दाएं से पांचवां लेटर जैसे ही आपसे बोला जाए सर दाएं से पांचवा लेटर कौन होगा तुरंत बोलिए सर मुझे नहीं पता दाएं से लेटर हम याद नहीं किए सर याद तो मुझे बाएं से है और दाएं को बाएं में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए सर कितना से घटा दीजिएगा सत्ताइस से और सत्ताईस में से पाँच गया सर तो बाईस और वोट देगा कितना में सर बाईस में अब बताइए सर ये बात आसानी से याद हो गया कि नहीं अगर दाएं से पांचवा आप देख सकते हैं सर इसका प्रैक्टिकली प्रूफ है दाएं से पांचवा लेटर भी है और बाएं से भी बाईसवां लेटर भी है और एक ही लेटर के बाएं और दाएं का सम सत्ताईस होता है इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए सर इस प्रकार हम लोग क्या किए सर बाएं और दाएं दोनों को अब कंबिनेशन करके देखेंगे सर उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल करेंगे उसके बाद हम टाइप पर चले आएंगे तो सारे बच्चे बोलेंगे सर बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब देखिए ध्यान से यदि हम यहाँ पे बाएं और दाएं की चर्चा करते हैं तो फिलहाल हम पांच क्वेश्चन देते हैं सर दोनों को मर्ज करके यदि बोला जाए सर यदि आसानी से बोला जाए कि बाएं से बीसवा अक्षर कौन सा होगा पांच सवाल का जवाब देना है सर पहला बाएं से बाएं से दसवा उसी प्रकार सर आपको जवाब देना है दाएं से बीसवा दाएं से पांचवा और इसमें भी अगर दे दिया जाए सर दाया से दसवा से दसवा कैसे बनाएंगे सर इसको कैसे बनाएंगे सर तो देखिए बाएं से यदि बीसमा है यदि बाएं से बीसमा है सर बाएं से बीसमा तो हमको तो तुरंत याद है सर बाएं से तो तु तुरंत याद है सर क्या आ जाता है टी ट्वेंटी बाएं से तो तुरंत याद हो जाता है सर कि टी ट्वेंटी बाएं से सर तुरंत याद दसवाद हो जाता है सर सर लेकिन यदि यदि पूछा पूछा जाए सर, पूछा जाए दाएं से दसवा कौन होगा तो आपका मन में एक ही सवाल आना चाहिए सर आपका मन में एक ही सवाल आना चाहिए कि दाएं से दसवा कौन है तो आप बोलिए सर मुझे पता नहीं है मुझे पता नहीं है इसको किसमें करें किस कन्वर्ट करेंगे सर बाएं में इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे में और दाएं को सर में तुरंत बदल लेंगे सर कितना से घटाएंगे दस से घटाएंगे सत्रह और सत्रह पर क्या होता है सर क्यू होता है सत्रह से खतरा होता है सर और सत्रह पर खतरा खतरा से क्या बना सर क्यू बना इसी प्रकार सर आप दाएं से बीसमा यदि बात करते हैं तो दाएं को तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए सर बाएं में बोलिए सर दाएं से जहां लेटर यदि आपको पूछा जाए आप तुरंत बोलिए सर कि हमें याद नहीं है दाएं से दाएं को तुरंत मन में मन में जवाब आना चाहिए सर कि दाएं से हमें लेटर याद नहीं है और दाएं को बाएं में बदलिए सर और बाएं में बदलने के लिए सत्ताईस से यदि घटाते हैं तो सत्ताईस में से बीस जाएगा सात और सात पर क्या आता है सर जी सात पर क्या आता है सर

और इस तरह के सवाल में आप बताइए सर जब तक आपके मन में और आपके माइंड में ये सर्च नहीं करेगा कि बाएं से पूजा सोलह सोलह करती है और बाएं से एक साल में तब तक आप इस बनाइएगा ये सब सवालों को आप सर कैसे बनाइएगा जल्दी से बनाने के लिए आपके पास ये अप्रोच रहना चाहिए सर यदि आपको बाएं से याद है तो दाएं से आप आसानी से कर सकते हैं इस तरह से सर फॉरवर्ड भी रैंक हम लोग को पता हो गया रिवर्स रैंक भी पता हो गया लेकिन सवाल तो सर ये बेस का है यदि आपका ये बेस हो गया तो हमारा टाइप देखिए सर इस बेस बेस को जोड़ करके नए टाइप वन का निर्माण होता है सर तो पहला हम लोग अब जो सवाल बनाने वाले हैं सर टाइप वन का अब हम लोग जो बनाने वाले हैं सर टाइप वन का अब सर टाइप वन के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे सर टाइप वन के सवाल को कैसे बनाएंगे अब टाइप वन के सवाल हम लोग को मिलेंगे कैसे सर टाइप वन के सवाल हम लोग कैसे देखेंगे तो सबसे पहले टाइप वन को सवाल को बनाने के लिए यदि मेरे पास एबीसीडी लिखा हुआ रहता है सबसे पहले तो सर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग टेक्निक की मदद से देखेंगे आसानी से ट्रिक की मदद से इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे सर लेकिन सबसे पहले जैसे हम लोगों के पास एबीसीडी लिखा हुआ है पहले सामने सर पूरी तरह से यह बात लिखा हुआ रहना चाहिए सर इसके बाद सर टाइप वन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं टाइप वन में सवाल जो पूछे जाते हैं सर इसमें आपके चार नेचर मिलेंगे नेचर वन नेचर टू नेचर थ्री नेचर फोर तो चार नेचर के सवाल में कैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर पहला नंबर नेचर वन का जो सवाल रहेगा सर जैसे पूछा जाएगा बाएं से दसवा अक्षर बाएं से दसवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है कौन सा है अब बताइए सर ये नेचर वन का सवाल है ये नेचर वन जो टाइप वन का जो पहला नेचर हम पढ़ने जा रहे हैं पूछा जाएगा सर बाएं से दसवा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा एक बात सर इसको बनाने के पहले एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा सर एक चीज क्या है आपको याद करना पड़ेगा सिर्फ याद करो कि सर से मने होता है लेकर मतलब से मने लेकर चलना है सर और के मने होता है छोड़कर से मने होता है सर लेकर और के मने होता है सर छोड़कर यहां से लगा हुआ है उसका मतलब समझ जाना है सर उस लेटर को लेकर चलना है जहां के लगा हुआ है उस उसका मतलब समझना है सर छोड़ के और यह बात आपको हर तरह के सवालों में मिलेंगे सर से और के का मतलब समझ लेना है पूरी तरह से मने लेकर और के मने सर छोड़कर तो सर बोला जाए कि बाएं से दसवा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे So, तो सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए हम लोग एकदम डायरेक्टली सर बेसिक मेथड पे आएंगे उसके बाद हम लोग नए नए मेथड की दुनिया में चलेंगे सर so, तो सबसे पहले आप बताइए यही लेटर है और फिर ये लेटर आपका दाया है सर जो मेरा बाया हाथ होगा इस लेटर का बाया होगा जो मेरा दाया हाथ होगा इस लेटर का क्या होगा सर दाया होगा अब यहां पे बात देखने योग्य है सर कि बाएं से दसमा मैने इसको ले लेना है सर बाए से दसवा आप बताइए सर बाए से दसमा बाए से दसवा जियो का सिम दसवें बाय से दसवा हो गया सर बाय से दसवा ले लिए इसको सर से दसवा ले लिए इसके बाद आपको चलना है सर इसके बाद सर बाय से दसवा के अब चलना है सर के चलना है बाय से दसवा के बाद के चलना है सर और के मैने क्या होता है सर के मैने होता है छोड़कर माने क्या होता है सर छोड़कर बाएं से दसवा लेटर कौन आया सर जे आया और के के मैंने क्या होता है सर छोड़ करके यदि हम छोड़ दें तो के बाएं चौथा अब बताइए सर इस लेटर के बाएं चौथा जाना है इस लेटर के बाएं सर चौथा जाना है तो अब बताइए सर इस लेटर के बाएं चौथा तो जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा इसका लेफ्ट हैंड होगा और जो मेरा राइट हैंड होगा इसका राइट हैंड होगा तो बताइए सर इसके बाएं चौथा यदि मुझे जाना है तो बताइए सर इधर चलना पड़ेगा एक दो तीन चार आंसर मेरा क्या आया सर एफ आया आंसर मेरा क्या आया सर एफ आया अब आप बताइए सर आंसर मेरा एफ तो आ गया पूरी तरह से आंसर मेरा एफ आया लेकिन क्या सर ऐसे करेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा सर आप इतना देर तक लिखिएगा फिर उन्नीस मेथड का नियम का पालन कीजिएगा तो क्या आपका रिजल्ट होगा सर गलती रिजल्ट भी हो जाएगा मेरिट नहीं बनेगा इसलिए सर हम ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग दो मेथड का सहारा लेंगे सर कितने मेथड का सहारा लेंगे दो मेथड का सहारा लेंगे सर दो मेथड का ये दो मेथड कौन सा होता है सर एक मेथड का नाम है सर हॉरीजोंटल मेथड एक मेथड का नाम है सर हॉरीजोनटल मेथड और दूसरा मेथड का नाम है सर वर्टिकल मेथड एक मेथड का नाम है सर हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है वर्टिकल मेथड की सहायता से हम लोग सार। तो कैसे, लो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सर पहला मेथड जो हम बनाने जा रहे हैं सर जिसका नाम है वर्टिकल मेथड कौन सा मेथड सर वर्टिकल मेथड अब वर्टिकल मेथड के सवालों को कैसे बनाएंगे जैसर वर्टिकल मेथड के सवालों को कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले जो पार्ट लिखा हुआ है सर जो पार्ट लिखा हुआ उसको आप पुनः लिख दें सर जो पार्ट लिखा हुआ उसको लिख दें जैसे बाएं से कैमा सर दसवा तो बाएं से दसवा लिख ले बाएं से सर दसवां लिखा हुआ है तो बाएं से दसवा लिख दें और बाएं से चौथा है सर तो बाएं से चौथा लिख लें और इसको बोलते हैं सर कौन सा मेथड वर्टिकल मेथड इसको बोलते हैं सर कौन सा मेथड वर्टिकल मेथड बाएं से दसवा था बाय से दसवा लिख दिए सर बाएं से चौथा से चौथा लिख दिए इसके बाद क्या होता है सर यदि सेम से में हा सेम यहां से रहेगा यदि सेम सेम रहेगा तो आपको घटाना है यदि सेम सेम रहेगा तो आपको घटाना है और डिफरेंट रहेगा तो आपको जोड़ना है सेम रहेगा तो घटाना है डिफरेंट रहेगा तो जोड़ना है क्या सर सेम रहेगा तो घटाना है और डिफरेंट रहेगा तो जोड़ना है और हमेशा आपको लिखना है सर ऊपर वाला हमेशा लिखना है ऊपर वाला या शुरू वाला बस यही काम करना है सर हमेशा लिखना है शुरू वाला सेम रहेगा तो माइनस डिफरेंट रहेगा तो प्लस और हमेशा लिखना है शुरू वाला सर तो बताइए सर ये दोनों सेम है कि नहीं बाया बाया दोनों सेम है सेम के लिए आपको घटाना है सर दस में से चार गया छह और हमेशा 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 लिखना है सर शुरू वाला हमेशा यदि आप शुरू वाला लिखते हैं तो आप जल्दी से बताइए सर शुरू वाला यदि लिखते हैं तो यहाँ पे बाया है और आप बताइए सर बाएं से छठा लेटर आपको याद है कि नहीं बाएं से छठा लेटर क्या हो गया सर फिक्स और फिक्स से क्या बना सर सिक्स बना और इस मेथड को सर हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मेथड और इस वर्टिकल मेथड की सहायता से हम लोग आसानी से बना सकते हैं और दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है सर दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है जिसका नाम है सर हॉरिजॉन्टल मेथड अब इस हॉरिजॉन्टल मेथड की मदद से कैसे बनाएंगे सर इस हॉरिजॉन्टल मेथड की मदद से कैसे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल मेथड को बनाने के लिए सर हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जो शुरू वाला रहता है पार्ट सर जो शुरू वाला पार्ट रहता है उसको लिख लेते हैं जो शुरू वाला पार्ट है उसको लिख लेते हैं पूरी तरह से सर बाएं से दसवां है तो बाएं से दसवां लिख लें बाएं से दसवां है तो बाएं से दसवां लिख लेंगे अब बताइए सर बाएं से दसवां हो गया और हमेशा सर यहीं से चेकअप करना है हमेशा यहीं से चेकअप करना है बाएं से आपको कहां जाना है सर बाएं जाना बाएं से कहां जाना है सर आपको बाएं जाना और बताइए बाएं से यदि आप बाएं जा रहे हैं तो सेम जा रहे हैं कि डिफरेंट जा रहे हैं सर बाएं और बाएं सेम होता है तो सेम के लिए हमको करना है माइनस सर और माइनस यदि करते हैं तो दस में से चार गया छह सर और बाएं से छठा लेटर फिक्स हो गया सर लीजिए सर एक लाइन में सवाल का आंसर आ गया सर एक लाइन में सवाल का आंसर आ गया तो हम लोग दो मेथड से सर बनाएंगे दो मेथड से बनाएंगे पहला मेथड का नाम है सर पहला मेथड का नाम है आपका कौन सा मेथड सर वर्टिकल मेथड और दूसरा मेथड का नाम है सर हॉरिज़ॉन्टल मेथड पहला मेथड का जो नाम है सर पहला मेथड का नाम है वर्टिकल मेथड और दूसरा मेथड का जो नाम है सर हॉरिज़ॉन्टल मेथड और ये दोनों मेथड की मदद से हम लोग क्या करेंगे सर ये टाइप वन के सवाल को लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा huh? सर कि जरूरी नहीं है कि यहां बाया बाया हो जरूरी नहीं है कि यहां बाया बाया हो सर नेचर टू में आपको क्या देखने को मिल सकता है सर यहां तो आपको देखने को मिला सर बाया बाया यहां अगले नेचर में आपको दाया दाया भी देखने को मिल सकता सर तीसरे तरह के नेचर थ्री के वाले सवाल में आपको सर नेचर थ्री के वाले सवाल में आपको दाया बाया भी देखने को मिल सकता नेचर फोर वाले सवाल में नेचर फोर वाले सवाल में आपको क्या देखने को मिलेगा सर बाया और दाया देखने को मिलेगा नेचर फाइव वाले सवाल में नेचर फाइव में आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर बाया दाया फिर से बाया इस तरह के सवाल मिलेंगे सर हम लोग पांच नेचर इसमें देखेंगे तो बेट बेस्ट ऑन अल्फाबेट जो हम लोग अल्फाबेट आज स्टार्ट किए हैं इस अल्फाबेट के टॉपिक में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप वन की चर्चा कर रहे हैं और टाइप वन में हम लोग पहली टाइप जिसमें हम लोग कितने सवाल देखेंगे सर नेचर फाइव मतलब पांच सवाल की मदद से हम लोग टाइप वन क्लियर करेंगे पांच सवालों की मदद से हम लोग टाइप वन क्लियर करेंगे तो सर ये नेचर वन पूरी तरह से क्लियर हो गया सर चलिए अब हम लोग चलते हैं सर नेचर टू के सवालों को कैसे पूछा जाता है तो देखते हैं सर नेचर टू यदि देखा जाए सर नेचर टू के बारे में तो देखिए सर नेचर टू वाले सवालों को यदि देखा जाए तो नेचर टू में हम लोग सर कैसे करते हैं जैसे पूछा जाए सर यदि दाएं से दाएं से दसमा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा दाएं से दसमा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा इसको कैसे बनाएंगे सर वही बनाने का वही टेक्निक है हॉरिजॉन्टल मेथड वर्टिकल मेथड और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड दोनों मेथड की मदद से आप बनाने की शुरुआत में कोशिश करें और लास्ट में जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो उसमें कोई एक मेथड का पालन जरूर कीजिएगा सर जिससे आपका प्रैक्टिस में क्या रहे इंप्रूवमेंट रहे तो सर आइए हम लोग चलते हैं वर्टिकल मेथड की मदद से कैसे बनाते हैं सर तो दाएं से दसवा है और दाएं से चौथा है और यदि दाएं से दसवा दाएं से चौथा है तो आप बताइए सर सेम सेम के लिए प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं तो हमेशा सर सेम सेम के लिए माइनस होगा डिफरेंट के लिए प्लस होगा और हमेशा और हमेशा हमेशा ऊपर वाला लिखेंगे सर हमेशा शुरू वाला लिखेंगे अब बताइए सर हमेशा दाएं दाएं यहां है हमेशा शुरू वाला लिखेंगे सर दाएं से और दस में से चार गया तो छह होगा सर क्योंकि सेम सेम के लिए माइनस करते अब आप बताइए सर अब आप बताइए सर कि दाएं से ये छठा हो गया अब बताइए सर दाएं से मुझे इस बात की जानकारी होना चाहिए सर लेटर दाएं से छठा छाप बताइए दाएं से छठा क्या हमको याद है सर क्या हमें याद है दाएं से छठा लेटर लेटर अभी जस्ट बेस बेस बनाए बनाए थे थे सर इसके पहले हम थे। लेटर हमें कहां से याद है बाएं से याद है सर लेटर हमें बाएं से याद है दाएं को पुनः किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे सत्ताईस से घटाएंगे सत्ताइस था में से छ हो गया इक्कीस और बाएं से इक्कीसवा लेटर युवा कितने साल में होता है सर इक्कीस साल युवा कितने साल में होता है सर एक किस साल में होता है इस तरह से हम लोग नेचर टू के सवालों को देखें अगर नेचर थ्री की चर्चा किया जाए सर नेचर थ्री की चर्चा किया जाए नेचर फोर की चर्चा यदि किया जाए सर एक बार में तो कोई बात नहीं सर सारे सवाल को यदि हम एक साथ ले लें सर जैसे बाएं से दसवा है और दाएं से चौथा और यदि इसी सवाल को हम सर ऐसे कर लें दाएं से दसवा है और बाएं से चौथा है तब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे सर सेम सेम रूल है सेम रूल है सर पहले सेम और डिफरेंट को देखना है सर यहां पे देखेंगे सर डिफरेंट है और डिफरेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं सर प्लस करते हैं डिफरेंट के लिए क्या करते हैं सर प्लस करते हैं तो दस और चार क्या हो जाएगा सर चौदह हो जाएगा दस और चार चौदह हो जाएगा और हमेशा नियम में लिखा दिए सर एकदम पूरा सेट कर लीजिए माइंड में सर एकदम सेट कर लीजिए हमेशा हमेशा शुरू वाला लिखते हैं हमेशा शुरू वाला लिखेगा तो बाएं होगा सर और बाएं से लेटर आपको याद है सर मेरा नाम तेरा चौदह देखिए डिजाइन सर आंसर ए नाया इसके बाद देखिए सर दाएं और बाएं यदि रहा दाएं और बाएं रहा कुछ नहीं करना सर डिफरेंट है कि नहीं यदि डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए हमेशा प्लस कीजिए और सेम के लिए हमेशा क्या कीजिए सर माइनस कीजिए तो आप जल्दी से बताइए सर यहाँ दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट के लिए प्लस करना है सर लेकिन ये लेटर कहाँ से हमेशा शुरू वाला आया सर दाएं से और आपको पता होना चाहिए सर दाएं से मुझे लेटर पता नहीं है और जब पता नहीं है तो इसको दाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे और दाएं दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए सर सत्ताइस से घटाते हैं और सत्ताईस में से चौदह गया तो तेरह बचा सर तो मेरा नाम तेरह चौदह तो बताइए सर ये टाइप वन के सवाल में ये इजी तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा तो आपको पूरी तरह से इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा सर और आपको टाइप वन के पूरे सवालों को टाइप वन के पूरे सवालों को बनाकर आना है सर उसके बाद कल आज जो हम लोग सर सीरीज पढ़े हैं आज हम लोग जो सीरीज पढ़े हैं सर ए से लेकर के जेड तक पढ़े हैं और उसके पूरे सवालों को ख़त्म किए हैं और कल हम लोग इसका सर प्रॉब्लम क्लास ले लेंगे और उसके बाद हम लोग सर कल जो सीरीज पढ़ने वाले हैं जिस सीरीज का नाम रखा गया है सर जेड से ए आज हम लोग ए से जेड पढ़ें कल हम लोग जेड से ए पढ़ेंगे और पुनः कल हम लोगों से मुलाकात इसी टाइम होगी ठीक है सर